प्रोसीडिंग्स। प्रणाम ब्रजेश कुमार शर्मा अंकल, शुक्रिया करुणामयी सीता चैनल पे आने के लिए और हमें आप गुरु महाराज जी का ज्ञान देंगे इस चैनल पे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हम सब बच्चे बहुत आभारी हैं कि हम लोग को सबको अध्यात्म का ज्ञान और उसकी रोशनी मिलेगी जिससे हम सब इस रास्ते पे चल सकें। और हम लोग भी आपकी तरह आंतरिक शांति और गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे चल अपने मन को शांत कर सके और उसको ईश्वर में लगा सके। तो बहुत शुक्रिया कि आप हमें अध्यात्म का ज्ञान इस चैनल पे अब से समय समय पे देने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। धन्यवाद बेटे गौरी। और सबसे पहले तो मैं आशीर्वाद भी दूंगा और शुभकामनाएं भी अपने हृदय की गहराइयों से इस बात के लिए कि तुमने ये जो दिन चुने हैं ये बड़े खूबसूरत हैं, बड़े शानदार हैं। ये माँ की उपासना के दिन हैं, शक्ति उपासना के दिन हैं और इन दिनों का अपना एक महत्व है, एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये शक्ति उपासना अगर हम लिटरल मीनिंग भी लें उपासना का, तो उपमाने नजदीक, प्रोक्सीमेटी, क्लोजनेस ना, और आसन माने बैठना, टू सिट, टू सिट इन क्लोज प्रोक्सीमेटी विद शक्ति, दैट इज पावर। गुरु महाराज साहब ने इसी चीज को, जो कि एकॉम्प्लिश्ड मास्टर हैं, समर्थ हैं, उनके जो ज्ञान पथ के 10 आलोक हैं उसमें सर्वप्रथम या सबसे पहला ही जो वाक्य है उनका, वो है ईश्वर एक पावर है, एक शक्ति है, जिसका कि न कोई नाम, न रूप, न रंग, जिसने रख लिया ठीक है। When we interpret this sentence, जब हम इस ये सेंटेंस कहें, बल्कि एक डिवाइन और एम्पेटिक स्टेटमेंट है, प्रोनाउंसमेंट है, एंड व्हेन वी डाइव डीप इनटू द वेरी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, डेफिनेटली वी विल फेच आउट प्रेसस जेम्स एंड पर्ल्स फ्रॉम दिस सिंगल सेंटेंस। उन्होंने कंसेप्ट ऑफ गॉड को कन्फाइन नहीं किया। वो कहते हैं कि ईश्वर एक शक्ति है, गॉड इज पावर, एक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी। आप सभी लोग यंग जनरेशन के लोग हैं, फिजिक्स ये कहती है, मॉडर्न साइंस ये कहती है कि ये जो कॉस्मोस है, ये सारा का सारा जो खेल है वो शक्ति का है, एनर्जी का है। एनर्जी इज प्रिवेलिंग एवरीवेयर, एनर्जी इज ऑल परवेडिंग, एनर्जी इज परमिएटिंग थ्रू एवरी एटम, थ्रू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दिस यूनिवर्स, हर जगह व्याप्त है, दैट इज ऑल परवेडिंग। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी वो जो ऑल परवेडिंग, जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट, और वो सबसे बड़ी बात है, उसका न कोई नाम है, न रूप है, न रंग है। हम ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, वो किसी चीज को जब देखते हैं तो उसके दो चीज होती हैं, बड़ी गहराई से विचार करें, व्हेन वी ब्रूड डीपली, इंट्रोस्पेक्ट डीपली, है ना, एक कंटेम्पलेशन शब्द आता है, मनन करना। जब गहराई से हम कंटेम्पलेट करते हैं चीजों पर, तो हम देखें, गहराई से विचार करें, हमने किसी चीज को देखा और उसको नाम दिया, जैसे कि मैंने गौरी के पापा का नाम लिया
तो नाम के साथ में उनकी शक्ल भी उभरती है, भले वो कितनी दूर के सरन साहब, तो एक नेम हुआ और एक उसका रूप आया, है ना। इस यूनिवर्स में हर चीज का एक नाम दिया और उसका एक रूप दिया, लेकिन किसने? मनुष्य ने, हमने दिया। लेकिन जो गॉड है, वो जो एनर्जी है, गुरु महाराज कहते हैं उसका न कोई नाम न कोई रूप न रंग, जिसने जो रख लिया ठीक है, गलत भी नहीं। एक अद्भुत सी बात, एक वंडरफुल बात कही एक महान कवि हुए हैं जो कि जाति के मुसलमान थे लेकिन बड़े महान कृष्ण भक्त थे, ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वो कहते हैं वेदना के मार्ग हैं जीते सरग नखत तन रुए टेटे। लेट अस इंटरप्रेट दिस टू ब्यूटीफुल कपलेट। वेदना के मार्ग, मार्ग मीन्स द पाथ टू द ऑलमाइटी, द सुप्रीम, द कॉस्मिक एनर्जी, इनफाइनाइट वेज, इनफाइनाइट पाथ्स आर देयर टू रीच दैट अल्टीमेट रियलिटी। वेदना के मार्ग हैं जीते, कितने हैं वो मार्ग, कितने पाथ हैं? सरग नखत, सरग मीन्स दैट इज स्काई और नखत मीन्स स्टार्स, एज मेनी स्टार्स एज वन कैन सी इन स्काई। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन स्काई? कैन यू काउंट? इम्पॉसिबल। यू कांट काउंट द नंबर्स ऑफ स्टार्स दैट आर डेजलिंग और शाइनिंग ब्राइटली इन ऑन द वेदर ईस्टर्न होराइजन, वेस्टर्न होराइजन। इट्स अ ब्यूटिफुल फिनोमेन ऑफ नेचर, बट यू कांट काउंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इनफाइनाइट गैलेक्सीज आर देयर, मिल्की वेज आर देयर, है ना, अनंत हैं उनकी संख्या, उन सितारों की वो झिलमिलाते उस खूबसूरत से। तो कहते कि इतने ही रास्ते हैं उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, सरग नखत जितने आकाश में सितारे, और तन रोए तेते, तन मिस बॉडी, हमारी बॉडी में जितने रोम क्षेत्र हैं, से हमारे जो स्किन के जो छेद होते हैं, अगर उनकी गिनती की जाए तो वो बड़ा मुश्किल है कि नहीं जा सकते, इतने मार्ग हैं। गुरु महाराज साहब कहते हैं उसको प्राप्त करने के सभी मार्ग जो हैं वो ठीक हैं, उनमें से कोई भी गलत है, क्योंकि सभी एक ही जगह पर जाकर रुकते हैं, और वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, इस एनर्जी और उस एनर्जी में फर्क है। फिजिक्स की जो एनर्जी है, जो मॉडर्न साइंस की जो एनर्जी है, जैसे जैसे तुम, मैं तुमसे जुड़ा हूं, ये मीडियम है मोबाइल का, और बड़ी प्रैक्टिकल बात है, इसमें भी, इस बैटरी में जो लाइट आ रही है पावर उसमें भी है, हम तुम एक दूसरे की शक्ल देख पा रहे हैं, ये रोशनी इसकी भी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी इनसेंसिएंट है। दिस एनर्जी इज इनसेंसिएंट शब्द, ये बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है। इनसेंसिएंट मीन्स जिसमें चेतनता नहीं है, जड़ है। सेंसिएंट इसका अपोजिट वर्ड है, वो है चैतन्य। सेंसिएंट मीन्स हैविंग फीलिंग, हैविंग अंडरस्टैंडिंग, जिसमें समझने की, सोचने की सेंसिबिलिटी है, सेंसिटिविटी है, रियलाइजेशन है, एहसास है, जज्बात है, है ना। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल वस्तु है, ये जड़ है, इसमें वो चैतन्यता नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं तुम इसे सुन रही हो, इस मोबाइल के मार्फत, इसके मीडियम से, हम तुम दोनों चैतन्य हैं, सेंसिएंट हैं, है ना। इसी प्रकार से वो जो एनर्जी है, इट इज सेंसिएंट, वो चैतन्य है, वो महसूस करती है, उसके अंदर परम चैतन्यता है। ऐसी उस जो मार्ग गुरु महाराज ने दिया, वो कितना अद्भुत, कितना वंडरफुल और कितना
एक लिबरेटेड पाथ या कितना लिबरेटेड फिलोसॉफी थी कि उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अध्यात्म जो शब्द आया कि ज्ञान परमात्मा जो है वो सेंसिएंट है और उसके तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तीन गुण हैं, सत, चित और आनंद। उस परमात्मा सत मीन्स दैट विच एग्जिस्ट्स एटर्नली, जिसका अस्तित्व है जो कभी खत्म नहीं होता, और उसके कंपैरिजन में हम इस क्रिएशन की हर चीज को देखें, उस रचनाकार की, उस क्रिएटर की क्रिएशन जो है वो सत नहीं है, वो एवरलास्टिंग नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट टू डिके, दैट इज एफीमेरल, वो एवरलास्टिंग नहीं है, वो रचना वो बदलती रहे, सब्जेक्ट टू चेंज, जबकि जो रचनाकार है वो है सत, वो एवरलास्टिंग है, एटर्नल है। तो पहला उस शक्ति का गुण जो गुरु महाराज साहब कहते हैं ईश्वर एक शक्ति है, उसका प्रथम जो गुण है, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है, वो है सत। दूसरा उस शक्ति का गुण है चित, वह ओमनिसिएंट है, मैंने भी सेंसिएंट शब्द इस्तेमाल किया, ओमनिसिएंट है, वो सब जानता है, जैसे क्रिएटर, जैसे ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा जिसने की सृष्टि बनाई ही इज द क्रिएटर, ब्रह्मा इज द फैकल्टी ऑफ दैट इनफाइनाइट हु क्रिएट्स, जो रचना करती है, द क्रिएटिंग फैकल्टी ऑफ द इनफाइनाइट ऑफ द सुप्रीम इज कॉल्ड ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जिसने ये सृष्टि बनाई वह अपनी सृष्टि के बारे में इग्नोरेंट रह सकता है क्या? नहीं। पिता अपने बेटे बेटी के बारे में ऐसा हो सकता है कि जाने ही नहीं कि ये क्या है? हम तुम दोनों किसके पुत्र या पुत्री हैं? अपने मम्मी डैडी के, माता पिता के, है ना? तो माता पिता से क्या छुपा रह सकता है? माँ बेटी की शक्ल को देख के बता देती है, उसके चेहरे को देख के किसे क्या चाहिए, होता है ना? अगर बेटी दुखी है माँ को पता चल जाता है कि मेरी बेटी उदास है, ऐसे ही वह जो परमात्मा है उसे कुछ छुपा नहीं, वो चैतन्य है, वो चैतन्य है, अंतर्यामी, अंतर मीन्स जो भीतर की, यामी माने जानने वाला, which omniscient, he knows everything, he knows the mysteries that are lying very in the deep recesses of our psyche, in our subconscious system, in the deeper layers of our consciousness, he knows everything, antaryami, वो जानने वाला। तो उसका पहला गुण क्या हुआ? वो सत है जो कभी समाप्त नहीं होता। दूसरा वो चित है, और तीसरा आनंद। आनंद जो है सुख दुख दोनों से ऊपर की स्थिति है। सुख क्या होता है, अब इसे थोड़ा सा गहराई से समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, क्योंकि हम कभी कभी खाली शब्दों को सुन लेते हैं, काश कि हम शब्दों को पीते। एक मैंने गीत सुना था, मैं प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया, मैंने प्रेम का प्याला पी लिया और मैं जी गया। ऐसे ही महापुरुषों के शब्दों को जिसने पिया, पान कर लिया शब्दों का, वो जी गया, है ना? तो गुरु महाराज साहब के हर शब्दों को हमें पीना चाहिए। अब बात वही आती है सुख, सु माने अच्छा, ख माने इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है सुख। एग्जाम्पल दें, हम वाइल सिटिंग इन द एसी चैम्बर ऑफ आवर ऑफिस, ऑल ऑफ सडन पावर सप्लाई कट्स और एकदम से पसीना आने लगता है, स्वेटिंग और हमें लगता है ये क्या हुआ, रेस्टलेसनेस इज देयर, और ये क्या चीज हुई। हम डिपेंड थे इस पर, हमारे जो स्किन को जो सुख मिल रहा था ठंडक का, उसके अपोजिट काम हो गया, दुख, दुमाने बुरा
ओखा माने इंद्रिय, इंद्रिय से अपोजिट काम हो गया तो दुख, और हमारे सेंसरी जो परसेप्शन के अकॉर्डिंगली काम होता गया सुख। तो ये डिपेंड है, हमारी इंद्रियां डिपेंड हो गई सरकमस्टेंसेस पर, परिस्थिति पर, लेकिन आनंद जो शब्द है वो डिपेंडेंस यहाँ पर समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी भी फ्रेंड है और बहुत दिनों के बाद मिली और गपशप करने के लिए तुम लोग फ्लैट में छत पर चले गए पेंट हाउस पर, और रात के 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बजा, 2 बजे, पता ही नहीं चला, और गर्मी सर्दी का भी एहसास कुछ नहीं हुआ। अचानक मम्मी डांटती है, अरे ना मुरादो क्या बात है, सोना भी है कि नहीं सोना, रात के 2 बज गए, और आप घड़ी देखते हो कि अरे इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू गेट माई पॉइंट, पता ही नहीं चला। बाहर का समय तो घुमा, वो जो बाहर की क्लॉक थी वो घड़ी थी, लेकिन जो अंदर की जो घड़ी थी, इनर टाइम था, वो रुक चुका था। ब्लिस, आनंद का अर्थ है जहां भीतर का जो घड़ी होती है वो रुक जाती। बाहर की घड़ी की तो सेकंड की सुइयां टिक टिक चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, लेकिन भीतर का जो समय है वो कहीं रुक जाएगा, हम जाते। आनंद एक वो ब्लिस है। तो परमात्मा क्या है? सत है, चित है और आनंद है। और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? परमात्मा, गुरु महाराज साहब कहते, ज्ञान है, परमात्मा शांति है, और शांति जो है वह सिद्धांत नहीं है, एक स्थिति है। पीस इज नॉट थ्योरी, ट्रैंक्विलिटी और सीरेनिटी इज नॉट थ्योरी, इट्स ए स्टेट विच कैन बी रियलाइज्ड। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए थर्स्टी पर्सन इज आस्किंग फॉर वाटर, ओके, प्यासा आदमी है, रेगिस्तान की तपती दोपहरी में चला रहा है उसका गला, पार्शिंग टंग थर्स्ट, वो कह रहा है ही इज आस्किंग फॉर वाटर, और मैं उसके सामने खड़ा होकर आई स्टार्ट डिलीवरिंग ए फुल लेंथ लेक्चर ऑन वाटर, that water is H2O or it's different kind of water, bisleri water is there, aquafina is there, or RO water is there, or ganga water, jamuna water, so many kinds, so many qualities of water. I deliver a full length lecture at least of 40 minutes to that thirsty person, and having delivered that lecture I ask him that, my dear, now are you satisfied or not? And what will be his answer? He will get annoyed. What absurd things you are doing, you idiot. Simply provide me a glass of water. I will pour that water into my throat and it's okay. It will quench my thirst. प्यासे को आप एक glass पानी दें और उसे कुछ न कहें। शांति एक स्थिति है, शांति कोई सिद्धांत नहीं है, मेरी बात समझो। ऐसे ही ईश्वर जो है वो कोई प्रवचन की वस्तु नहीं है, ईश्वर है रियलाइजेशन का विषय, अनुभूति, और वह अनुभूति जो है वहां पर सारी की सारी चीज साइलेंट हो जाती। इसलिए किसी शायद महर्षि रमण कहते हैं कि साइलेंस इज द स्पीच ऑफ सेंट्स, संतों का जो उपदेश होता है वो मौन है, साइलेंस है। गुरु महाराज साहब ने वही कहा, ज्ञान अंतर में है, उसके लिए आंतरिक साधन करने होंगे, वो जो नॉलेज है वो भीतर है, और उसके लिए जो रियलाइजेशन करने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वह भीतर के जो इंटरनल जो प्रैक्टिस है वो करनी, भीतर जाना होगा। अध्यात्म शब्द है, मैंने कहा कि हर शब्द को गहराई से देखें तो उसके अंदर डीपर मीनिंग्स है, सजेस्टिवनेस है शब्द के अंदर। संस्कृत से बनी हिंदी भाषा अध्यात्म, इसको थोड़ा सा तोड़े, ब्रेक करें शब्द को, अध्य आत्म, आत्म कहते सेल्फ,
सेल्फ है ना, स्वयं, और अध माने की ओर, भीतर की ओर। तो अध्यात्म का अर्थ ही क्या हो गया, स्वयं की ओर लौटना, स्वयं की ओर भीतर की ओर लौटना। अनफॉर्चुनेटली आज का जो ट्रेंड है, बल्कि सदियों का ट्रेंड कहूंगा हमने, वो क्या चल पड़ा है, बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की और हम बाहर की बातें करने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज ए वॉयज टू इनर सेल्फ, इट्स ए जर्नी टू इनर सेल्फ, ये यात्रा है भीतर की। और जब भीतर की यात्रा होती है तो फिर वहां शब्द भी मौन हो जाते। एक कवि की बड़ी सुंदर सी कविता है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, बहुत अच्छी लगती है मुझे। और वो कहते हैं, खुले नयन से सपने देखो, बंद नयन से अपने। बड़ा अजीब सी बात है, वैसे सपने कैसे देखे जाते हैं, खुली आंखों, बंद आंखों से। लेकिन पोइट कहता है कि खुले नयन से सपने देखो, बंद नयन से अपने। सपने तो रहते हैं बाहर, भीतर रहते अपने। सपने कैसे होते हैं, जिनका कोई मजबूत नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो इल्यूजन है, दैट इज नॉट रियलिटी। सपने तो रहते हैं बाहर, भीतर रहते अपने। भीतर कोई अपना भीतर ही रहता है, वो बहुत पावर। नाम रूप की भीड़ जगत में, भीतर एक निरंजन। नाम और रूप की भीड़, संसार में जो भीड़ तुम्हें दिख रही है, वेदर यू आर सिटिंग इन टोरंटो कनाडा और उटावा या और इन इंडिया और इन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, ये सब किसकी भीड़ है, नाम की और रूप की भीड़ है। वो कभी कहता है, नाम रूप की भीड़ जगत में, भीतर एक निरंजन। लेकिन जो भीतर बैठा हुआ है उसका न कोई नाम है न कोई रूप है, लेकिन वो है, महसूस किया जा सकता है। नाम रूप की भीड़ जगत में, भीतर एक निरंजन। सुरत चाहिए अंतर द्रव को, बस क्या चाहिए, तो ये निरंजन को देखने के लिए सुरत, सुरत जानते हैं चिंतन, बस वो चिंतन की धार चाहिए। सुरत चाहिए अंतर द्रव को, एक मेरे भीतर एक आंखें दी भगवान ने, मन की आंख। काजल माँ बचपन में लगाती थी अपनी बिटिया रानी को, इसकी आंखें खूबसूरत हो जाए, इसकी आंखों की रोशनी बढ़ जाए। ऐसे इस भीतर की आंखों को खोलने के लिए कौन सा काजल चाहिए, सुरती। गुरु वो लगा देते हैं सुरती का काजल। सुरत चाहिए अंतर द्रग को, बाहर द्रग को अंजन। द्रग में आंखें, बाहर की आंखों के लिए ये जो खूबसूरत आंखें, इनको काजल चाहिए, लेकिन भीतर की आंखों के लिए सुरती चाहिए। आगे वो कहता है कवि कि देखे को अनदेखा कर दे, ओ माई डियर इग्नोर वट एवर यू आर सीइंग और वी आर विजुअलाइजिंग विद दीज आईज फॉर ए वाइल, फॉर ए शॉर्ट वाइल। देखे को अनदेखा कर दे उस देर के लिए, अनदेखे को देखा, और जो इनविजिबल था, दैट इज सिटिंग इन द सेंक्टम सेंक्टोरम ऑफ योर हार्ट, द टेम्पल ऑफ योर हार्ट। अनदेखे को देखा, क्षर पड़पड़ तू हुआ निरक्षर। अब तक तूने जो कुछ पढ़ा, ये पढ़ाई कैसी थी, क्षर सब्जेक्ट टू डिके वाली पढ़ाई थी। भले ही मैं फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, कोई भी साइंस पढ़ूं, लेकिन ये मुझे इन्फिनिटी की तरफ नहीं ले जाएगी। इससे मैं लाइवलीहुड के मीन्स कुछ पैसा कमा लूंगा, कुछ बढ़िया फ्लैट्स ले लूंगा, लग्जरी लाइफ जी लूंगा, लेकिन ये मुझे उस चीज को नहीं दे सकती जिसे मैंने कहा सत चित आनंद। तो कभी कहता है कि क्षर पढ़ पढ़ तू हुआ निरक्षर, इस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते तू निरक्षर हो गया, इलिटरेट हो चुका है। अक्षर सदा अलिखा, लेकिन मुझे अक्षर था जिसका कभी क्षरण नहीं होता, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिकी। गॉड द पॉवर, अक्षर सदा अनेखा, कांट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, शब्दों में उसको लिखा नहीं जा सकता। फिर तरीका क्या है, गुरु महाराज साहब ने उसी की
चीज बड़ी सरल सी बताई, ईश्वर ध्यान गम्य है, ईश्वर जाना जा सकता है, वह कॉस्मिक एनर्जी रियलाइज की जा सकती है। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। अब ध्यान क्या है? गुरु महाराज साहब ने साधना के अनुभव में, जो कि महान ग्रंथ है, स्पिरिचुअलिटी की डोमेन का ये मैं कहूंगा कि रेस्पेंडेंट स्टार है ऑन द फर्मामेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज साधना के अनुभव। साहित्य के आकाश पर एक क्षितिज पर चमकता हुआ एक सितारा जिसे कहते हैं, और वो अनुभव है गुरु महाराज के, उनके रियलाइजेशनल जो चीजें हैं, फिनोमिनन हैं, वो उन्होंने उसमें बताए कि मेरे भीतर जो है ये जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, दैट इज मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, इसके भीतर एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहम, जो चार चीजें। ये जो है गुरु महाराज कहते हैं कि मन से हमारी जो साधना है, जब मन एकाग्र होने लगता है तो एकाग्रता जब गहरी हो जाती है, डीप स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। अगर कोई ध्यान कहे, ध्यान क्या है? तो एकाग्रता की घनी अवस्था, डीप स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। अब इसमें उन्होंने कहा कि भाई करना कुछ विशेष नहीं है, बस तुम एक काम कर लो। और बड़ी सहज सी बात बताई उन्होंने, कहा कि हम दिन भर दुनिया की तरफ रहते हैं, हमारा यह जो मन का मुंह है हर वक्त कहाँ रहता है? दुनिया में। भाई जैसे आप डेटा साइंटिस्ट हैं, हर वक्त हम दुनिया की तरफ ही रहते हैं, दुनियादारी में डूबे रहते हैं, लेकिन ये शरीर आराम मांगता है, बॉडी नींद चाहते हैं हम, कि भाई थक चुके 10-12-14 घंटे मेहनत कर ली, नाउ आई वांट रिलैक्सेशन। हम अपने बेडरूम में गए, बेडरूम में जाके हम लेट गए, और लेटने के बाद हम देखते हैं कि एकदम से तो नींद नहीं आती, आती है नींद नहीं आती, आंखें बंद की, दिन भर के जो एक्टिविटीज थी, खेल तमाशे थे, बंद आंखों से हमारे आने लगे आंखों के सामने, आंखें बंद थी, फिर कौन देख रहा था? बात बड़ी गहरी है, मेरी तो आंखें बंद थी, लेकिन कोई जाग रहा है ना, वो जो जाग रहा था वो देख रहा था, लेकिन जो जाग रहा था धीरे धीरे करके वो भी सो गया, और मैं थर्ड डोमेन में चला गया या चली गई। हम इसे रोज करते, दिस इज द डेली रूटीन ऑफ आवर लाइफ, लेकिन चूंकि हम गहराई से चीजों को देखने की आदत नहीं बना पाते, तो ये हमारे लिए आम चीजें हो गई हैं, कुछ नथिंग स्पेशल होता है, लेकिन थोड़ा सा हम ठहर जाएं, देखें, हम देखें तो पाएंगे कि जो हमारी फर्स्ट डोमेन था, जो फर्स्ट स्पीयर था, पहला स्टेज था हमारे रिलैक्सेशन का, उसको हमने कहा निद्रा, स्लीप। सेकेंड स्टेज, सेकेंड डोमेन, सेकेंड फेज में या सेकेंड स्पीयर में जब हम स्टेप इन किया हमने, दैट इज ड्रीम लाइक स्टेट, स्वप्न, है ना। सपने भी धीरे धीरे करके कहीं सबसाइड होने लगे, वो एक्टिविटीज भी कहीं धीरे धीरे थमने लगी, और मैं डीप स्लीप में चली गई, चला गया, जिसे हमने कहा सुसुप्ति, दैट इज डीप स्लीप। तो फर्स्ट इज स्लीप, सेकेंड इज ड्रीम स्टेट, एंड द थर्ड वन इज डीप स्लीप। और डीप स्लीप जब जितनी गहरी आती है, सवेरे जब हम जगते हैं कि ना मजा आ गया आज तो, बड़ा बहुत अच्छा लगा, बड़ी गहरी नींद लग गई, और उसके बाद हम एनर्जाइज हो जाते हैं, री एनर्जाइज हुए, और हमारी जो फिजिकल फैकल्टीज थी, फ्रेशनेस हुई, हमको काम करने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये फिजिकल डोमेन में रोज होता है, इसीलिए हम काम कर पाते हैं, लेकिन काश कुछ देर के लिए जागरण में, जागृत में हम वही अवस्था प्राप्त कर लें, जागते हुए ध्यान की अवस्था के द्वारा जब हम
अपने मन को कुछ वक्त ऐसा निकाल लें, सुबह और शाम भले वो 10 मिनट हो, कि संसार से अपनी पीठ कर लें, संसार की ओर पीठ कर लें और अपनी शक्ल कर लें उसके सामने जिसने हमें बनाया, जो हमारा रचनाकार। जैसे शरीर का रचनाकार कौन है? मेरे माँ और पिता। लेकिन जिसने सबको बनाया वह परम पिता, वो भी इंतजार करता है, सदियों से उसने इंतजार किया है, हर वक्त करता है, हर वक्त। आप जब संसार में होते हैं उसकी नजर तब की होती है जब आप दुनिया के मेले में कोई रहते हैं, हर वक्त वो इंतजार करता है, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी तरफ तो आ जाए, थोड़ा सा तो देख ले। लेकिन न जाने कितने जन्म हो गए हम उस तरफ देखा ही नहीं, मुड़े ही नहीं। परम भागवत परम पूज्य पंडित महाराज एक बड़ा सुंदर सी बात कहते थे कि तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा, तू दौड़ता रहा मुझे पकड़ने के, बड़ा इम्पेशेंट और इमोशनल बात बता रहा हूं प्रिया, बड़ी गहरी बात है। तू मुझको पकड़ने के लिए न जाने कितनी सदियां गुजरी, कितने जन्म गुजरे, कितनी तूने ये शरीर बदले, कौशल्या ने भी मुझे कोशिश की थी पकड़ने की, वो भोली माँ मुझे न समझ सकी, यशोदा ने भी मुझे कोशिश की, मुझे छोटा अपना बेटा ही समझती रही, गोपियों ने भी खूब कोशिश की, अर्जुन ने भी कि न जाने कितनों ने कोशिश की, लेकिन मैं तुझे अपने पकड़ने की एक उपाय, एक युक्ति बतलाता, मेथड बतलाता हूं। तेरी दौड़ तो खूब हो गई, खूब दौड़ा, अब मैं तुझे एक मेथड बता दूं, एक उपाय बतला दूं, और वो उपाय है अब तू दौड़ना छोड़ दे, ठहर जा और मुड़ पीछे की तरफ, तू देखेगा कि मैं तेरे पीछे पीछे में भाग रहा था। बड़ी गहरी बात, तू मुझे पकड़ने को भाग रहा था और तुझे पकड़ने को पीछे पीछे मैं भाग रहा था कि भाई थोड़ा सा ठहर जा, पीछे मुड़ के देख, मैं तो तेरे पीछे पीछे भाग रहा हूं। ईश्वर जो है, गॉड जो है, वह मेरी माँ मेरा पिता सब कुछ है, और मैं ईश्वर, मैंने सबसे पहले कहा सत चित आनंद, सत है वो, चित है वो, आनंद है, मेरी इच्छाएं जो होती हैं यही तो हैं तीन हर इंसान की। क्या कभी आदमी चाहता है कि मैं मर जाऊं? नहीं, हम चाहते हैं कि हमेशा सत्य, मेरा अस्तित्व हमेशा रहे, मेरा एग्जिस्टेंस एटर्नल हो। दिस इज द डिजायर ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इजंट इट? सत्य चित, हर व्यक्ति चाहता है मुझे पूरा ज्ञान, जो साधना का अनुभव पढ़ता है पूरी हमें हमारे दिमाग में आ जाए कि इतनी प्यारी किताब है, क्यों नहीं चाहेंगे? क्यों? क्योंकि जो गुण माता पिता में, बच्चा भी तो वही उसके अंदर वो गुण आएंगे, परमात्मा के गुण बच्चे में स्वाभाविक उसकी इच्छा है, क्योंकि उसका अंश है, इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिविनिटी। तो चित वह चेतन भी है और आनंद भी चाहता है, क्यों नहीं चाहे, वो आनंद का ही तो पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन पकड़ने के लिए जो उसकी जो डायरेक्शन है, उस परमात्मा के प्रति जो दौड़ है वो गलत, वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा। गुरु महाराज साहब ने कहा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ और मुड़ जाओ, बस ये ठहरना और मुड़ना ही अध्यात्म है। ठहरने का मतलब है जागरण में, इन द स्टेट ऑफ अवेकनिंग, कुछ देर के लिए मेरी तरफ बैठ जाओ, हल्के से आंखें बंद कर दो और देखो भीतर की तरफ, तो मुझको पाओगे बैठा हुआ, मैं तुम्हारे भीतर ही था कहीं बाहर नहीं। और वो गहरा ध्यान, वो जो एकाग्रता की गहरी अवस्था थी, ध्यान है, और ध्यान के बाद की जो अवस्थाएं हैं, क्योंकि आज चर्चाएं काफी लंबी हो गई, मैं भी अपने काफी गहरे उसमें इमोशनल सा कुछ हो गया हूँ, तो नेक्स्ट कभी फिर उस पर चर्चा करेंगे, और क्योंकि टाइम भी काफी ज्यादा हो चुका, I'll talk later on this topic। और बस यही कहूंगा कि
बड़ी अच्छी एक चीज है और इट्स माय मैसेज टू यंग जनरेशन द वाइब्रेंट यूथ ऑफ टुडे कि इफ यू वांट टू सी एंड अंडरस्टैंड ए वैली गो टू द माउंटेन टॉप. ये किसी अच्छे थिंकर ने लिखा था, बड़े अच्छा फिलोसोफर हुए परहैप्स खलील जिब्रान, उनकी लाइन्स हैं, इफ यू वांट टू सी एंड अंडरस्टैंड द वैली गो टू द माउंटेन टॉप, ओके अ लिटिल हायर. इफ यू वांट टू सी एंड अंडरस्टैंड द माउंटेन टॉप गो टू द क्लाउड्स अ लिटिल हायर देन यू कैन रियली take delight in watching the beautiful landscape of mountain top. Go to the clouds. If you want to see and understand clouds, then he says go to the sky a little higher. And if you want to see and understand sky, वहाँ रुकता है अभी, because sky infinite है, अनंत है, आकाश के ऊपर क्या? तो वो लिखता है कि इफ यू वांट टू सी एंड अंडरस्टैंड स्काई क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर. इफ यू वांट टू रियलाइज इंफिनिटी क्लोज योर आईज. दिस इज मेडिटेशन. गॉड इज इनफाइनाइट एंड इफ यू वांट टू रियलाइज दैट कॉस्मिक एनर्जी क्लोज योर आईज. और जो गुरु है वो इस इनर जर्नी में तुम्हारे कंपेनियन होंगे. वो उंगली पकड़कर जैसे छोटा सा बच्चा को उसके पापा ले जाते हैं किसी मेले में किसी खूबसूरत जगह पर, ऐसे ही वो गुरु साथी बनकर भीतर की तरफ प्रवेश कराते हैं. एकॉम्प्लिश्ड मास्टर. और स्पिरिचुअलिटी कोई प्रवचन की वस्तु तो है नहीं, कोई किताबों की बातें भी नहीं है. ये तो बस एक एहसास है. गुलजार साहब का एक गीत है, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, ये वो खामोशी है जो कहती है सुना करती है, ये न रुकती है न ठहरी है न थमती है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से वहां करती है. ये नूर की एक एक स्ट्रीम ऑफ लाइट है जो कि इनफाइनाइट तरीके से एटर्नली दे विच फ्लोइंग एंड एनलाइटनिंग द कॉन्शियंस ऑफ ह्यूमैनिटी. ओके तो नेक्स्ट फिर कभी चर्चा करेंगे. गौरी थैंक यू वेरी मच और होप दैट यू माइट हैव रिलिस्ट दिस गपशप. नहीं अंकल, गपशप नहीं है, आपका जो हमने आपने जो हमें ज्ञान दिया है वो बहुत ही अच्छा था. आई होप कि आप और बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी. लेकिन आशा है हर हफ्ते आप एक बार आके ऐसा ही ज्ञान हम यंग जनरेशन के लिए आगे के लिए देते रहेंगे, जिससे हम लोग सब अपने अध्यात्म के सफर से जुड़े रहें. और उसका ख्याल तो महाराज जी खुद ही रखेंगे कि हर बच्चा जो है वो जो स्पेशली इस सत्संग परिवार में आया है वो अध्यात्म से सब जुड़ा रहे. और इसीलिए उन्होंने उन्होंने कृपा की कि उन्होंने आपका पता दे दिया कि आप जो है वो जरूर मदद करेंगे. आपका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आप इस चैनल पे आके डेफिनेटली मदद करेंगे कि हम सब बच्चे जुड़े अध्यात्म से जुड़े हैं, अपने अंदर ईश्वर परमात्मा से जुड़े, गुरु की शक्ति से जुड़े, गुरु से जुड़े और सब सेवा भाव से जुड़े. और हम लोग का यही प्रार्थना है साधना के अनुभव के भी हर अध्याय पे आप थोड़ी थोड़ी आके रोशनी डालिए एक एक हफ्ते. तो आगे चल के ध्यान गुरु महाराज खूब दया करें. और ये जो आज का आयोजन था ये उन्हीं के द्वारा इंस्पायर्ड था, उन्हीं की शक्ति काम करती है, ये सब उन्हीं की कृपा उन्हीं की दया. मेरी तरफ से भी तुम्हें खूब स्नेह खूब आशीर्वाद. धन्यवाद अंकल. ओके बेटा.